हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब बताते हैं ना कि आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा फील होता है कि बस मैं आप लोगों की बातें जान रही हूँ, आप लोगों के बारे में जान रही हूँ, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप केवल मुझे जानते हो, मेरे बारे में जानते हो। सो गाइज़, जैसा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बेबी की मालिश किस ऑयल से करवाते हो और उसकी लोई किससे लेते हो, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है सिंपल वाला आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, उसमें मैंने डाला हुआ है, ये है आल्प्स गुडनेस का अंबा हल्दी, जो कि आप सभी को पता है कि अंबा हल्दी कितनी अच्छी होती है और कितनी ज़्यादा नेचुरल होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का ये ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है और ये 100% नेचुरल है। सो इसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अच्छे से इसे मिक्स करना है और दूध के साथ इसको इस तरीके से आटे के जैसा गूंथ लेना है, यानी कि मसल देना है। और ये बिल्कुल सिंपल, जैसे आटे की लोई बनाते हैं ना, हमें बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट बनाना है ताकि बच्चे के ऊपर जब हम उसे रफ करें तो बच्चे को ज़्यादा खिंचाव ना आए, क्योंकि उसके हेयर निकलेंगे ना इसमें। और इसी सेम ऑयल से हम बच्चे की मालिश करवाते हैं, यानी कि ऑलिव ऑयल से। लोई कई लोगों ने मुझसे बोला था कि दी, जब आप बच्चे की लोई दिलवाते हो तो काफ़ी ऐसा लगता है जैसे हार्स हो, तो एक्चुअली में हेयर तो निकलते हैं लेकिन हार्स नहीं होता है, सो डोंट वरी। उसके बाद मेरी मालिश हुई और मैं आई हूँ नहा के। सो मैं आज आपके साथ अपना स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये एवोकाडो टोनर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो मैं टोनर का यूज़ करती हूँ, और अगर आप लोग टोनर की जगह पे अगर आप लोगों के यहाँ रोज़ वाटर है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स प्लस का ये फेशियल सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा सीरम है और इसमें टी ट्री है। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये ऑयली नहीं है, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये ऑयली है। सो मैं अभी फ़िलहाल ऑयली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना कि एकदम गर्मी गर्मी सी लगती है, इसलिए भी। सो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पुश करते हुए अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपनी स्किन को। सो मैं यहाँ पे जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि अगेन गुड बाय प्लस की है। एंड ये देखिए कितनी ज़्यादा ये ख़त्म हो गई है, इसकी मैं कम से कम 2 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे बार बार मंगाती हूँ। सो ये मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है एंड इसे अच्छे से अपने फेस पे एब्जॉर्ब हो जाने देना है, क्योंकि ये जेल क्रीम है तो पहले ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ये आपकी स्किन पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद गाइस, आप लोगों को पता ही है, इसके अलावा हमें अपने फेस पे कुछ नहीं करना है। अगर धूप निकली है तो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पर्पल का काजल लगाया जादू से, यस। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी काजल को। काजल मैंने अभी कुछ दिन पहले से ना बिल्कुल टोटली बंद कर दिया था, मुझे कमेंट आया तो मैंने कहा यार मे भी शायद मेरी आंखों में काजल अच्छा लगता होगा उनको, तो इसलिए मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पर्पल का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और उसके तुरंत बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, जो कि अगेन पर्पल की मैट फिनिश लिपस्टिक है। और इन सब की वाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है काफ़ी अच्छे ऑफर्स के साथ, सो आप लोग चाहें तो वाई कर सकते हैं। और अभी काफ़ी अच्छी सेल भी आ चुकी है गाइस, सो डू चेक एंड ज़रूर से सेल का फ़ायदा उठाएं। और ये हो गई मैं तैयार। देख लिया मेरा स्किन केयर, मैं यही वाला स्किन केयर फॉलो करने वाली हूँ, अभी 2-3 दिन से कर ही रही हूँ और यही वाला करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी जब मेरी थी तब भी मैं इसी स्किन केयर को फॉलो करती थी। मैं स्किन केयर में बहुत ज़्यादा हेयर फेल नहीं करती हूँ, टोनर्स वगैरह चेंज करती रहती हूँ, बट मोस्टली मेरा जो स्किन केयर होता है वो इन्हीं प्रोडक्ट के साथ होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जितने कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज, अभी मुझे बनाना है रोटियां। बाबू ने सब्ज़ी बना के रख दी है, दाल बना के रख दी है, चावल बना के रख दिए हैं, और क्या बोलते हैं, जो मेड है हमारी वो आ चुकी हैं, तो वो भी अपने बर्तन वगैरह धुल रही हैं और भैया के कपड़े धुल रहे हैं, यानी कि मंस के कपड़े। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दी आप अपने बेटे को भैया क्यों बोलती हैं, आप निशिका से उसे भैया क्यों बुलाती हैं,
तो भैया नहीं बुलवाती हूँ, भाई बुलवाती हूँ, क्योंकि जो भाई का मेरे घर में भी मैं मेरे छोटे भाई को भाई बोलती हूँ, तो मुझे ना वो चीज़ अच्छी लगती है। इवन हमारे यहाँ पे बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो सबके यहाँ के अलग अलग रूल्स होते हैं। हालांकि मैं निशिका से उसे मंस ही बुलवाने वाली हूँ, क्योंकि हमने उसका नाम ही इतना प्यारा रखा है, जैसे कि हमने निशिका का नाम इतना प्यारा रखा है कि हम उसे और किसी नाम से बुलाना नहीं चाहते, सोना बाबू इन सबसे नहीं बुलाना चाहते, हम उसे उसके नाम से बुलाना चाहते हैं। और एक्चुअली मैं उन दोनों बच्चों के, मेरे दोनों बच्चों के नाम भी इतने अच्छे हैं कि जिनका अगर अर्थ आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, नाम का प्रभाव पड़ता है इंसान पे, इसी वजह से हम उसे इसके नाम से ही बुलाएंगे। लेकिन अभी मेरे जो ससुर जी भी है ना, वो भी उसे भैया ही बोलते हैं, और इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसका क्या अचानक से नाम नहीं निकलता है जल्दी जल्दी, इसलिए भैया भैया बोल देते हैं। मेरे मुँह से नहीं निकलता जबकि मैंने उसका नाम रखा हुआ है। सो इस वजह से भी आज बाबू जाने वाले हैं छतरपुर, और मुझे निशिका और मंस को दोनों को संभालना पड़ेगा, मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं वैसे भी वीडियो नहीं कर पाती हूँ, और आज तो समझ लीजिए ये वीडियो आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं। आज है 20 जून, और अगर कर भी ली तो एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि एडिटिंग में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इस टाइम पे टाइम लग जाता है, क्योंकि आजू बाजू गाने वाने चलते रहते हैं, जिसका कॉपीराइट आने का डर रहता है। आप सभी को पता है, आप लोगों ने मेरे सुने भी होंगे, मैं किस किस को जाके बोलूं कि आप अपने गाने बंद कर लो, मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है चला रहे हैं चलाने दो। आधी रात में भी एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस वाले रूम में, जिस रूम में मैं अभी वीडियो शूट करी, इस रूम में मेरे ससुर जी लेटते हैं। सो आज मेरी पूरी जिम्मेदारी दोनों बच्चों की मेरे ऊपर है। मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ, क्योंकि निशिका का जो सारा कुछ होता है वो बाबू हैंडल कर लेते हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। मंस को मुझे संभालना पड़ता है, तो मैं उसे आराम से संभाल लेती हूँ, लेकिन आज वो नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी होता है ना कि पानी भी आपको खुद को भर के पीना होता है। निशिका से पानी मंगाएंगे, वो उस टाइम पे यहाँ पे होगी या नहीं होगी, हालांकि यहाँ पे मेरे परिवार वाले हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बट मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। और ऐसे ही जा रहे हैं वो छोड़ के, सच बताऊँ बुरा भी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि, आप तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इससे पहले ही आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, एक सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है बहुत बहुत जल्दी। लेकिन इस टाइम बाबू की प्रॉपर्टी के दो ऑफिस खुल रहे हैं, एक दमो में, एक छतरपुर में, जैसा कि मैंने बताया था। तो उसी के काम से, उसी के सिलसिले से ये जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं मैं वहाँ का काम निपटा के आता हूँ, फिर मैं यहाँ का काम करता हूँ, ताकि जब हम इंदौर जाएँ तो सब कुछ सेटल डाउन अच्छे से करके जाएँ। तो इसी वजह से उनको जाना ज़रूरी था, पहले उन्होंने डिले किया, बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आप जाओ, क्योंकि काम इम्पॉर्टेंट है, मैं भी मेरे YouTube पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, आप भी अपने काम पे फोकस नहीं करोगे कैसे चलेगा, किसी ना किसी को तो अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। YouTube हमारा ऐसा नहीं है, एज आ करियर मैं YouTube को सच बताऊँ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं इस पर जितना वर्क कर सकती हूँ कर सकती हूँ। मैंने इसको एकदम ऐसा नहीं सोचा है कि हाय मुझे पैसा मिलना चाहिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मैं 3-3 दिन भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मैं 2-2 दिन भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम ओनली YouTube होती तो मुझे पर डे वीडियो डालने ज़रूरी हो जाते, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम ओनली YouTube नहीं है। हस्बैंड हैं, अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, और वही इतने दिन से सब कुछ अच्छे से कर रहे थे मैनेज, और आगे भी मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। थोड़ा बर्डन हम लोगों के ऊपर ज़्यादा आ गया, थोड़ी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि दो दो बच्चे और उनका एक बहुत अच्छा कल हम लोग सोच रहे हैं, और ऊपर से अभी हमने एक जो चीज़ जो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्राउड फील होगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ सच बताऊँ। और मैं आप लोगों के साथ रिवील इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये बात सोची थी, ये काम करने के लिए सोचा था, तो वो हमारा करते करते रह गया था लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही थी। सो चलिए मैं रोटी बना के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, जब तक मैं बना रही थी अपनी रोटियां, तब तक जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी हेल्पर आ गई थी, तो एक जन ने बच्चे के कपड़े धो दिए, और एक जन अपने बर्तन वर्तन धो के चली गई थी झाड़ू पोछा करके। तब तक बाबू ने ये जो भैया के कपड़े थे ना, वो सूखने के लिए डाल दिए थे, यानी कि मंस के कपड़े और कुछ मिशिका के कपड़े। सो इसलिए भी कि ये दोनों देखो बाप बेटी कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, करी लो पापा टांगो, लो पापा टांगो। और मिशिका यहाँ पे आके थोड़ी सी मूड़ी हो चुकी है, और थोड़ी सी नहीं मैं बोलूँगी ज़्यादा ही हो चुकी है, बिल्कुल मनमौजी हो चुकी है। लेकिन क्या करें, अभी क्या है ना, मैं ऐसा नहीं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, ध्यान पूरा पूरा मेरा जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन बात क्या है ना, अभी वो ज़िद्दी टाइप की हो रही है। हाँ, इंदौर में जाके वो सब कुछ वैसे की वैसी हो जाएगी, बट अभी तो वो सच में बिल्कुल नहीं सुनती है, और जो पहनना है तो पहनना है, जब खाना खाना है तो खाना है।
तो बहुत मतलब ऐसी हो गई है, मतलब इस टाइम पे ना उसको नहलाने के लिए बोल रहे थे लेकिन नहीं नहाना नहीं नहाना। और बाबू का था कि मैं जाने से पहले ये सारे काम निपटा जाऊँ ताकि मेघा को दिन में ज़्यादा काम ना पड़े, क्योंकि रात में मुझे पूरा खाना बनाना था। तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसको दिन में काम वाम करना पड़े, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं करती थी सिवाय रोटियों के, लेकिन ऑब्वियसली बाबू नहीं थे तो फिर मुझे बनाना ही था खाना। हालांकि बहुत सारी हेल्प और भी लोग हैं जिन्होंने की, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो बस यहाँ पे इन्होंने कपड़े डाल दिए हैं और मैंने सोचा कि चलो मंस से मिलवा देती हूँ, क्योंकि मिशी का तो आजकल सुनती नहीं है हमारी। तो ये हैं हमारे मंस और ये प्रॉपर ऐसे देखते रहते हैं टुकुर 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 टुकुर, 1 मंथ के कंप्लीट होने वाले हैं। सो जल्दी से हो जाएंगे, और ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो उस दिन होने वाले थे, अब तो वो हो भी गए हैं 1 मंथ की कंप्लीट। सो बस अब जैसे बच्चा कहते ना बढ़ता है ना, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हैं, तो मंस की जो अभी नज़रें हैं वो नहीं अटकती हैं एक जगह पे, मतलब वो मुझे प्रॉपर नहीं देख पाता है, यहाँ वहाँ देखता है, बस आवाज़ सुनता रहता है। तो इस टाइम पे मैं कहीं सीटी बजा रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, तो वो यहाँ वहाँ देख रहा था, मेरे साइड नहीं देख रहा था। सो या चलो सामने से मिलती हूँ आप लोगों को। गाइज़ बाबू चले गए हैं और मिस्टिका अभी से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लाइक बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है मैं कैसे उसे संभालूं, कैसे क्या करूं, और वो बस खाना खा के और सीधे ही निकल गए, क्योंकि मैंने रोटियां सेकी, उन्होंने खाना खाया और निकल गए। और ये कान का निकल गया, निकल जाने दो, मैं नहीं पहनती, एक ही कान का काम चलाऊंगी। तो इसी वजह से वो निकल गए हैं और मिसिका इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है। एक्चुअली मैं वो 4 व्हीलर से जाते ना मैं भेज देती, बट वो 2 व्हीलर से गए हैं तो रिस्क नहीं ले सकते ना अभी इस टाइम पर, कितना ज़्यादा तो कोरोना चल रहा है और बच्चों के साथ इविन। और यहाँ से दम छतरपुर तक का जो रास्ता है वो 5 घंटे का रास्ता है, वैसे तो 3 घंटे का है, लेकिन अगर आराम से गाड़ी चलाते हैं तो 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे तक बच्चा मास्क लगा के जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसी का मास्क नहीं लगाती है, वो बहुत ज़्यादा घबराती है, इसी वजह से थोड़ा भैया भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यानी कि मंस मैं बार बार भैया बोल रही हूँ, आज मेरे मुँह से निकल रहा है क्या करूँ। सो लेकिन कोई बात नहीं, हम मैं हैंडल करूँगी, कैसे भी संभालूंगी दोनों बच्चों को। और मुझे बस एक ही चीज़ का बुरा लग रहा है कि 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मे बी बाबू आज के आज आ जाएँ, क्योंकि वो मुझे बोल के गए हैं कि मेघा अगर मेरा काम निपट जाता है 6 बजे तक भी मेरा काम निपटेगा ना मैं निकल आऊँगा। लेकिन कैसे ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी बज रहा है 8:30 और 8:30 से अगर 3 घंटे भी मान लो तो 11:30 बजे ये पहुँचेंगे, और 11:30 बजे पहुँचेंगे 2-3 घंटे तो इनको आराम से लग जाने, हाँ आराम से, हाँ 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 9-10:30 बजे तक ये आ सकते हैं, 9 या 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक तो मे भी ये आ जाएँ। लेकिन जंगली इलाका है, मौसम ऐसा चल रहा है आज तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्लाउडी सा मौसम है, तो मे भी ना निकल पाएँ। मैं सोचती हूँ कि वो निकल आएँ, क्योंकि कल हम अपने मंथ का 1 मंथ कंप्लीट का थोड़ा सा कुछ तो अच्छा लगता है ना, 1 मंथ कंप्लीट कर लेगा काफ़ी सारा, मतलब एक होता है कि लोग पूछते हैं आपका बच्चा कितने मंथ का हो गया, तो आप बोल तो पाओ कि 1 मंथ कंप्लीट कर लिया। सो बस यही था, एंड आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चिट चैट है इसमें, लेकिन हाँ इसमें जो आप लोग मालिश की और लोई की रिक्वेस्ट कर रहे थे वो मैंने फिल की है। सो आई रियली होप कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ अगर चैनल अच्छा लगे और वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।